बजा दिया पकड़ के न्यूजीलैंड के बच्चों ने बॉब्जी घंटे को। न्यूजीलैंड के जो बच्चे हैं, न्यूजीलैंड के जितने भी मेन प्लेयर थे उन्होंने आईपीएल में भेज दिए हैं, और उन्होंने पाकिस्तान से खेलने के लिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया, उन्होंने पाकिस्तान से खेलने के लिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया। और न्यूजीलैंड की जेड बल्कि एल टीम ने पकड़ के पाकिस्तान की मेन इलेवन का घंटा बजा दिया तीसरे T20 मैच में पिंडी में। बाबर इलेवन, बाबर घंटा इलेवन का पकड़ के न्यूजीलैंड ने जो है वो बाजा बजा दिया पकड़ के। निकलो मेरे घंटे के फैंस पर, निकलो मेरे घंटे के जो फैंस है, सोनू पीली चप्पल ये जितने भी फुद्दर किस्म के फैंस है, तो सोशल मीडिया पे बाबर आजम को अपना अबू बना के बैठे हुए। निकलो बाहर ऐसी की तासी, जैसे ये कप्तान बना वैसे ही पाकिस्तान की जलालत दोबारा शुरू हो चुकी है। निकलो पैर में मोर दूंगा पकड़ के, उतर एक एक को पकड़ के मारूंगा मैं, आज एक एक को पकड़ के। क्या करते हैं ये फुदर, ये फुदर क्या, पिंडी की फ्लैट पिच के ऊपर पहले ना आपसे बैटिंग हुई है, पिंडी की फ्लैट पिच के ऊपर है ना आपसे बैटिंग हुई है, फिर उनके बच्चों ने आके आपको बैटिंग करके दिखाई है कि सर इस तरह बैटिंग की जाती है। मैंने पकड़ के मार देना है कि को निकलो पर, ये है ना घंटा, इसको अब्बू कहते हो इसको, अच्छा हमारे पाकिस्तानी घंटे कहते हैं। बाबर आजम इज बैटर देन विराट कोहली, मेरे घंटे का बैटर देन बेटा वो अब्बू है, क्रिकेट का वो क्रिकेट का अब्बू है। मतलब शर्म और हया दोनों इनमें नहीं है। देखो पिंडी में मैच हो रहा है, इससे ज्यादा फ्लैट ट्रैक आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरी बात, और उधर भी रन नहीं कर रहे न्यूजीलैंड के, अगर एल टीम के अगेंस्ट जब घंटा रन नहीं कर रहा तो सोचो जब बुमराह आएगा वर्ल्ड कप में, जब स्टार्क आएगा वर्ल्ड कप में, तब तो इसकी चटिया लीक छटे टाट, इनकी इनकी काम पे टांगना शुरू हो जाएंगी, तब ये घंटे क्या करेंगे। और भाई ये कौन सी क्रिकेट हो रही है, कह रहे हो जी घंटा कप्तान बना तो जी बेहतर होगा, छनकना बेहतर होगा। यार मतलब यार आपने अपनी मेन टीम खिलाई हुई ना, बाबर घंटा भी खेल रहा है, रिजवान बुलंद लिपस्टिक भी खेल रहा है, शहीन लंगड़ा भी खेल रहा है, इब्रार मिस्त्री भी खेल रहा है, और भाई सारे खेल रहे हैं, शदाब खान भी खेल रहा है, शदाब खान भी दो नंबर ऑलराउंडर वो भी खेल रहा है, सारे खेल रहे हो ना, सारे खेल रहे हो, फिर भी वो बच्चे वो अंडर 19 की क्लब लेवल के बच्चे, उन्होंने आपको आपके घर में आके दफन कर दिया, जनाजा निकाल दिया आपका आपके घर में आके, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी। ये देख लो उन्होंने टॉस जीत के आज आपको पहले बैटिंग का मौका दिया, उनको पता था इन फुदरू ने इस विकेट के ऊपर, जिस विकेट के ऊपर 230 240 आराम से बाज जाएंगे, उनको पता था कि इन घंटू ने, इन बॉब्जे घंटू ने इधर रन नहीं करने, इधर रन नहीं करने इन्होंने, इधर रन नहीं करने इन्होंने, उन्होंने इनको पहले बैटिंग दिया, फिर उन्होंने इनको पकड़ के जो बजाया, पहले देख लो आ जाते हैं जी साई मयूब पे 22/32, ठीक है साइड पे कर दो अभी नया। अब भारत हैं बॉब्जी दी किंग, मेरे घंटे का किंग, बॉब्जी कर लेगा, ये मैं वर्ल्ड कप से सुनता आ रहा हूं, बॉब्जी कर लेगा। आज तक बॉब्जी ने हगने के अलावा मुझे नहीं लगता कुछ किया हो, वही T20 में वनडे वाली बैटिंग, मतलब T20 में 29 बालों पे 37 रन, और वो भी न्यूजीलैंड की इस बच्चा बॉलिंग लाइनअप के सामने, और सामने पिंडी की फ्लैट ट्रैक। देखो पिंडी की फ्लैट ट्रैक ऊपर भी अगर ये 29/37 हैं तो लानत भेजता हूं मैं ऐसे 37 पे, और सामने न्यूजीलैंड की मेन बॉलिंग लाइनअप भी नहीं है, वो बच्चा बॉलिंग लाइनअप है। रिजवान बुलर लिपस्टिक 22 बालों पे 23 रन, एक चौका और रिटायर्ड हर्ट। आपको पता है एक्टर तो है ये, फुल टाइम क्रिकेटर नहीं है, फुल टाइम एक्टर है, फुल टाइम मौलवी और पार्ट टाइम ये क्रिकेटर है। जब इसको लगा है कि भाई मेरे से तो लग ही नहीं रही, ये रिटायर हर्ट हो गया, ये बड़े फुदड़ हैं। न्यूजीलैंड ने ना, न्यूजीलैंड के बच्चों ने इनका पकड़ के ना, इनका पकड़ के ना ऐसे खड़े हो गए ना पीछे, बजा दिया पकड़ के इनका पकड़ के बजा दिया। बच्चा आपको आपके घर में आके वो मार के गए हैं, मार्क चैंपियन ने इतना मारे उनका तेल लगा के उसने मारी है आपकी। निकलो भाई ऐसी की तैसी आपकी सारे, एक एक को पहलूंगा आज पकड़ के मैं, एक एक को आपके पांच पहलूंगा पकड़ के। बाकी शदाब ने कुछ किया चलो ठीक है, बाकी को छोड़ दो, बॉलिंग पे आ जाओ भाई, बॉलिंग पे आ जाओ। माइकल ब्रेसवन ने, इस सोती ने पकड़ के रोन दिया इनको,
बॉलिंग में उन्होंने इनको पकड़ के रोन दिया, उसके बाद बैटिंग में भाई मार चैपमैन ने मार मार के इनकी टटी निकाल दिया, मार मार के इनकी उन्होंने चड़ियां गिली करवा दी इनकी। और हमारे शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, अच्छा कल क्या हुआ, कल इन्होंने न्यूजीलैंड के वो बच्चों को 90 पे ऑल आउट कर दिया। तो भाई ये बॉलिंग लाइनअप इंडिया को खा जाएगी, ये बॉलिंग लाइनअप ये कर देगी, ये बॉलिंग लाइनअप मेरा घंटा, मेरा छनकना, और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा भी करेंगे ना तो ये बेटा मेरा बाजा कर लेंगे ज्यादा ज्यादा। बेटा न्यूजीलैंड ने पकड़ के ना, न्यूजीलैंड ने बाबर आजम को अपने पास बुला के बच्चों ने ये घंटा उसके हाथ में पकड़ा के और बोला इसको हिला बैठ के, इसको हिला बैठ के, क्योंकि बेटा तू पहले ना हमें हरा, हम मेन टीम इसलिए पाकिस्तान नहीं भेजते, पहले हमें तो हरा लो। लास्ट ईयर भी ये न्यूजीलैंड की टीम आई थी, इन्होंने पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में फेल के गए थे, ये बच्चे 11 आए थे T20 सीरीज पाकिस्तान से 2-2 में बराबर करके ये गए थे। अंदाजा लगा लो कितनी शर्मिंदगी की बात है, जब न्यूजीलैंड की सी टीम आई है, डी टीम आई है ये वाली, तो हम लोग पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे थे ये बच्चे भेज दिए हैं, इनको तो हमारा बाबर अकेला ही खा लेगा, इनको तो हमारा रिजवान अकेला ही खा लेगा, इनको तो हमारा ये अकेला ही खा लेगा। उन्होंने पकड़ के इतना मारा है आज, इतना मारा है आज, चेज करके गए हैं वो दुनिया की नंबर वन बॉलिंग लाइनअप, लंबड़ वन का तो लंबड़ वन कर दिया आज उन्होंने, लंबड़ वन बॉलिंग लाइनअप को ना उधर ही घुसा के तेल तू लगा के ऐसे चपेड़े मार दिए, और निकलो सिगरेट तो सी तो रिवो, एक एक करके बाहर निकलो, निकलो बाहर, निकलो गांधी श्री बाहर निकलो एक एक करके। ये क्रिकेट खेल रहे हो, ये क्रिकेट खेल रहे हो, अब तमाश भी नहीं कर रहे हो, सीखो इंडिया से कुछ, ओ अब्बू विराट कोहली से सीख लो घंटों। पहली तो बात है वो छोटी टीमों के खिलाफ खेलता नहीं है, अगर वो खेले तो वो पेलता है, ठीक है, बाबर आजम ने कोई मैच छोड़ा नहीं है छोटी टीम के अगेंस्ट, चलता ये है नहीं, मजा तो तब था ना पिंडी की फ्लैट ट्रैक ऊपर ये घंटा रन करता, भाई ये रन ही नहीं करेगा, इसको क्या डिफेंड करूं मैं, ऊपर से मेरी बात सुनो, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम भाई रिटायरमेंट वापस लेके आ, उनको सारे सारे मैच खिला, शाहीन को, नसीम को, इनको बाहर बिठा, और भाई उनको बाहर बिठा रहा है, इनको खिला रहा है, अजीब अजीब मनुष्यत कप्तान है ये, पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा गंदा कप्तान ये साबित हुआ है इस, अच्छा ये मगरू उतरा था इस, ये मगरू लथा है, इन्हू फिर चुके लाना ना, मतलब इसके अलावा क्या रोटी हजम नहीं होती आपकी इसके बारे, इसके बगैर शर्म कर लो। पाकिस्तान ना पाकिस्तान एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, हम वर्ल्ड कप जीते हो मैं, कुछ ना कुछ तो हमारी कहीं ना कहीं इज्जत होगी, इसकी कप्तानी में इस बोब्जी घंटे आजम नेपाले आजम जिम्बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से 3 बार हारा हुआ है, पाकिस्तान हर छोटी टीम से हारा हुआ है, हम नेदरलैंड से हारे हुए हैं, हम आयरलैंड से हारे हुए हैं, हम अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में पेले हुए हैं, हमें जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप में पेला था, इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया में जिम्बाब्वे हमें वर्ल्ड कप में मार के गई है, इंडिया में अफगानिस्तान हमें वर्ल्ड कप में मार के गई है, यह शेमफुल डिफीट थी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा निकाला था जब ये पाकिस्तान हारी थी, और दोनों बार कप्तान आप सबका चहीता बाबर आजम था, जिसको मैं घंटे का किंग बोलूंगा और क्या बोलूं, ना ये बैटिंग करता है ना ये कप्तानी करता है, चलो करे रन, चलो यार इस छोटी टीम के खिलाफ ही रन करे, करे रन ये अब करे रन, करे ना रन, करे रन, करे कप्तानी अच्छी, जिताता आज वाला मैच, कल 90 पे ऑल आउट करके बड़े तीपड़े प्रॉब्लम कर रहे थे, आज करो कुछ। कुरुनूर घंटे के जो किंग्स हैं वो क्यों नहीं कर रहे, किधर गई है वो, किधर गई है वो, बोब्जी कर लेगा, बोब्जी कर लेगा, बोब्जी कर लेगा, बहती हवा सा था वो घंटा हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, इसको जिम्बाब्वे की टीम चलाती, घंटे का किंग था वो, बोब्जी घंटा हमारा था वो। आओ निकल के बाहर, आओ सारे घंटे के फैंस, करो डिफेंड इसको, अब बोलो ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सक्यूज दोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या एक्सक्यूज दोगे कि बाबर आजम की टीम क्यों हारी है, क्यों छनकना बजाया पकड़ के न्यूजीलैंड के बच्चों ने, यार शर्म कर लो यार, हया कर लो, बच्चों ने, उनके बच्चों ने,
उन्होंने अपनी मेन टीम इसी वजह से नहीं बेची, उनको पता था कि यार ये बच्चे हमारे पिछले साल भी इनको मार के आए हैं और इस साल भी मार देंगे। और मार्क चैंपियन पिछले साल भी मुझे पता पिंडी में एक मैच लेके गया था, इस बार आज फिर उसने पकड़ के बजा दिया इनकी, आज फिर उन्होंने पकड़ के बाबर आजम की बजा दिया। बेटा ये लिख के दे रहा हूं, मुंह पे हाथ भी फेर रहा हूं और लिख के दे रहा हूं, उन 9 जून को मैं लिख के देता हूं, जिसने जो पुटले आगे मेरा इधर पुटले, 9 जून को अगर पाकिस्तान इंडिया से जीत गया मैं अपने बाल उतरवा दूंगा सारे, मैं अपनी दाढ़ी उतरवा दूंगा, मैं लिख के देता हूं भाई, मेरी बर्थडे भी होती है 9 जून को, 9 जून को इस टाइम हम वीडियो कर रहे होंगे, 9 जून को इस टाइम पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी हार जाएगा, अगर वो ही आई तो पाकिस्तान इंडिया से इतना ही बुरी तरह हारेगा, वो फिर आएगा इनकी लेगा, इनकी टेपे उतारेगा, उस टेपिये को मारेगा, शहीन लंगड़े को मारेगा, आंबर लंबू को मारेगा, इनको मार के, इनको घुसा के, इनको फना करके, वो किला फतह करके मैं लिख के देता हूं, फिर जाएगा। क्योंकि अगर हम न्यूजीलैंड की सी टीम के अगेंस्ट भी डोमिनेट ना कर सकते, हम फियरलेस क्रिकेटिस टीम के अगेंस्ट भी ना खेल सकते, तो उसके खिलाफ फिर खेलना भूल भी जाओ, सोचना भी, मैंने आपके लिए सोचना भी गुनाह के बराबर है, क्योंकि हम इतनी कोई घटिया किस्म की कौम है कि हम लोग रियलिटी नहीं मानते। रियलिटी ये है कि बाबर आजम T20 का ओपनर नहीं है, मोहम्मद रिजवान T20 का ओपनर नहीं है, T20 का ओपनर है फखर जमान, T20 का ओपनर है साइम अयूब, उनको मिडिल ऑर्डर में लेके जा रहे हैं। निकलो बॉब्जी घंटे के फैंस, आप निकलो, न्यूजीलैंड के बच्चों ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में आके पिंडी की फ्लैट पिच के ऊपर ठोक दिया है। और बॉब्जी कह रहा है मोमेंटम उनकी तरफ था, डोमिनेट उन्होंने किया है, हम अगले मैच में बेहतर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।